हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रसेन रसोई। आज हम मैंगो पुडिंग बनाएंगे। उसके लिए हमने एक आम लिया है। बहुत ही अच्छी रेसिपी है आम की पुडिंग, बहुत ही अच्छे लगते हैं चिल्ली चिल्ली खाने में। उसके लिए सबसे पहले हम आम के छिलके अलग कर देते हैं। आप चाहे तो छिलका ना ही अलग करें, इसको ऐसे ही कट कर लें, आधे आधे पीस में कट कर लीजिए। फाइनली आम को हमने कट कर लिया है। अब बीच से इसका पल्प हम निकाल लेते हैं, बड़े आसानी से निकल जाते हैं। ये देखिए, आप चाहें तो अगर आम थोड़े से कड़े हैं तो चाकू के सारे बीच बीच कट करके भी निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से निकल जाएगा। वैसे आम के जूस आपने शेक बहुत ज़्यादा पिए होंगे, हज़ारों बार पिए होंगे, आइसक्रीम भी बनाकर खाए होंगे, तो इस बार आप चिली चिली पुडिंग बनाकर खाना, बहुत मज़ा आएगा। फैमिली के साथ इंजॉय करने में कुछ अलग ही मज़ा होता है। फैमिली के साथ खाओगे ना चिड़ चिड़, बहुत अच्छा लगेगा खाने में। तो ये देखिए, फाइनली हमने अलग कर दिया है। फाइनली हमने आम के पल्प को निकाल लिया। अब हम लेंगे ग्राइंड जार। अब इसमें हम मैंगो को ग्राइंड कर लेते हैं। फाइनली हमने आम को अच्छे से ग्राइंड कर लिया, ये देख लिए। चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। कढ़ाई हमने गैस पर रख दिया। अब इसमें रखेंगे एक कप पानी, साथ ही अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग में हम चीनी रख लेंगे। चार चम्मच हम चीनी रखेंगे, अपने पसंद के अनुसार आप कम ज़्यादा रख सकते हैं। फाइनली चार चम्मच हो गया, हमने अपने पसंद के अनुसार कम ज़्यादा रख लिया। आप अपने पसंद के अनुसार कम ज़्यादा चीनी रख सकते हैं। उसी चम्मच से हम चार चम्मच मिल्क पाउडर लेंगे, यानी हमने जिस कप से एक कप पानी लिया था ना, उसी कप से हम आधा कप दूध पाउडर ले रहे हैं और आधा कप चीनी भी लिया है। तो हमने चम्मच से नापा, आप कप से भी नाप सकते हैं। आधा आधा चम्मच, एक चम्मच सॉरी आधा चम्मच चीनी, आधा चम्मच हमने लिया है दूध पाउडर, अरे सॉरी आधा चम्मच नहीं आधा कप, साथ ही एक चम्मच के बराबर हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको चार मिनट तक हम ऐसे ही पका लेंगे। फाइनली पकते पकते 3 मिनट हो गया है। अब इसमें हम जो हमने आम के पल्प ग्राइंड करके रखे हैं निकाल के, उसको भी इसी में ऐड करके 3 मिनट तक इसको भी हम पका लेंगे। 3 मिनट इसको भी पका लेना बढ़िया से। इसको मीडियम फ्लेम पर रख कर ही पकाना है, हाई फ्लेम नहीं करना है, नहीं तो जल्दी से पक तो जाएगा पर खाने में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए इसको हाई फ्लेम पर नहीं, मीडियम फ्लेम पर ही रखना है और बढ़िया से इसको पकाना है। फाइनली पकते पकते 3 मिनट हो गया। अब हम गैस के नीचे बंद कर देंगे। ये देखिए बढ़िया से पक गया है ना, अब गैस के नीचे बंद कर देते हैं। अब हम लेंगे एक बर्तन। अब आप जिस बर्तन में पुडिंग बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। हमने गिलास लिया, आप कटोरी ले सकते हैं, प्लेट ले सकते हैं, साथ ही हमने कप लिया है। अगर आपके पास मोल्ड हो तो उसमें भी आप अच्छे से बना सकते हैं। तो चलिए इसमें हम आम की पुडिंग तैयार करने के लिए हैं। जो हमने तैयार किया है आम को, इसी में अच्छे से रख देते हैं। फाइनली ने बर्तन में रख दिया। अब इसको हल्का सा टैप कर देंगे जिससे बढ़िया से सेट हो जाए। अगर बबल्स वगैरह या फिर स्पेस हो अच्छे से सेट हो जाए। उससे आइस क्रिस्टल हो जाने के लिए हम लगाएंगे इसमें थोड़ा सा एल्यूमिनियम फॉल। अगर एल्यूमिनियम फॉल नहीं है तो आप नॉर्मली एक पॉलीथीन आती है जिसमें कपड़ा वगैरह आते हैं हल्के वाले, उसमें आप रख सकते हैं। इससे आलू फॉल लगाने का फ़ायदा ये होता है कि इसमें जो आइस क्रिस्टल यानी बर्फ फॉल कहते हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं लगेंगे इसमें। तो ये देखिए, इसको हमने सेट कर दिया। अब इसे फ्रीज में हम 7 से 8 घंटे के लिए रख देंगे, इससे बढ़िया से चिड़ चिड़ पुडिंग हमारी रेडी हो जाए। तो चलिए अब हम चलते हैं फ्रीज की तरफ। अब इसे रख देते हैं 7 से 8 घंटे के लिए। ये देखिए रेडी हो गया। फाइनली मैंगो पुडिंग हमारा रेडी हो चुका है, जो हमने गिलास में रखा था। ये देखिए हमने गिलास में रखा था, इसको साइड करते हैं। एक हमने एक छोटे से प्लेट में समझिए रखा था हमने। तो चलिए सबसे पहले इसको ही निकालते हैं। इसको हम इसी प्लेट पर रख देते हैं, बहुत ही आसान तरीके से निकल जाता है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो ये देखिए अब हम गिलास वाला निकालेंगे, इसको ऐसे रख देंगे, हल्का टैप कर देंगे हाथों से। ये देखिए ये कितना बढ़िया तरीके से रेडी हुआ है। ये पलट गया है, तो ये देखिए निकालते समय पलट गया था गिलास से। अब हम इसको भी निकाल लेते हैं।
इसके ऊपर थोड़ा सा हम गार्निश कर देते हैं। आप अपने पसंद के अनुसार ड्राई फ्रूट वगैरह से गार्निश कर सकते हैं। वैसे हम इसे रोज से गार्निश कर रहे हैं, तो आप अपने पसंद के अनुसार जो पसंद हो आपको उसे आप गार्निश कर लेना। बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में, बहुत ही प्रॉपर तरीके से रेडी होता है। इसे आप ख़रीदने जाओगे मार्केट में महंगा मिलेगा, इसे आप घर पर ही बनाना बहुत आसान तरीके से। वैसे सबके घर में आम आ रहा है, आम का मौसम ही है तो भर भर के आम सबके घर में आ रहे हैं, तो इस बार आप मैंगो पुडिंग ज़रूर बनाकर खाना, बहुत ही अच्छा लगेगा। मेरे घर में सबको बहुत पसंद आया था, एक बार हम बनाए थे। तो ये देखिए, अब काट कर हम आपको दिखा देते हैं कट करके। तो ये देखिए, देख कर ही पता चल रहा है कि कितना बढ़िया तरीके से ये रेडी हुआ है। ये देखिए बहुत ही स्पंजी है, ये देखिए कितना सॉफ्ट है, आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो ये देखिए है ना बढ़िया। तो ये देखिए, चलिए चिकन चिकन पुडिंग खाना पसंद करेंगे आप लोग तो ज़रूर बनाना, नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाना, बहुत पसंद आएगा सबको घर में। तो चलिए आज के वीडियो चलते हैं, मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ। अब तक आप लोग अपना ख्याल रखना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की रेसिपी हमारी कैसे लगी, और चिल्ली दिखाओगे तो खाने का तो मज़ा दुगना हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, राधे राधे।